हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग बेटा। आ जाओ सब लोग, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बिहार बीएससी का सिलेबस। और बिहार बीएससी के सिलेबस में आज लग रहा है दूसरा क्लास। सुबह के इस 8 बजे के स्पेशल क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। बिहार के बच्चों, मैं आपके लिए लगातार क्लासेस अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक दो दिन के बाद आपका बॉटनी का भी क्लास और सुबह 7 बजे से लगा दिया जाएगा। 7 से 8 आप बॉटनी पढ़ेंगे और 8 से 9 आपका जूलॉजी हो जाएगा। जो जूलॉजी बॉटनी का मैं जिम्मा ले रखा हूं आपका, वो पूरा कर दूंगा अच्छे तरीके से। इसकी कोई चिंता नहीं, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो। चलते हैं बेटा, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे कह सकते हो कि हमारा सेशन 2 होने वाला है। इसके पहले हम लोग देखा था क्या, हम लोग देखे थे नॉन कॉरिडा के बारे में, वो भी इंट्रोडक्शन पॉइंट हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था। जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पॉइंट कर रहे थे तो वहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो में हम लोग निकाल के ले लिए थे। जैसे हम बात करेंगे यहां से छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में, आपको हमने इनवर्टिवेट के बारे में देखा था कि कैसे होते हैं इनवर्टिवेट और वर्टिवेट से कैसे अलग होते हैं। उसके बाद हमने नॉन कॉर्डेटा वर्सेस इनवर्टिवेट के बारे में डिस्कस किया था, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। उसके बाद हमने इनवर्टिवेट के फाइला को देखा और उसके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात की। क्या बात की? उनके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात की। आपने पिछले क्लास को देखा होगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बाद जो 30 फाइला थे उसमें 21 फाइला के बारे में हमने यहां पे न्यूमेरिकल नंबर दिए आपको, जो आप अच्छे तरीके से नोट्स बना रखे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप चाहे यूपी से हो चाहे बिहार से हो, थोड़ा पढ़ने के लिए जागरूक है, तभी आपने वीएनआर को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये चीजें आप सही से नोट्स बना के एक बार कर लेंगे। ठीक, उसके बाद बेटा हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि आखिरकार जो इनवर्टिवेट है, इनवर्टिवेट के अंदर मेजर फाइला क्या होता है और माइनर फाइला क्या होता है। बड़े फाइला कौन कौन से हैं हमारे इनवर्टिवेट के अंदर और छोटे छोटे फाइला कौन कौन से, इनके बारे में डिस्कस हुआ और क्या क्या रीजन है, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लोअर एंड हायर इनवर्टिवेट क्या होते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं, किसके लोअर और हायर हमारे इनवर्टिवेट की। ये जब हम लोग डिस्कस करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते समय हमको क्या मिलता है, हमको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिवेट के बारे में बातचीत करना होता है, जो आज का ये क्लास का सेशन भी होने वाला है। ठीक है, सब लोग आगे बेटा, आप लोग एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो जस्ट क्लियर हो तो फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, एक बार आप बता दीजिए कि सर ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा, हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। और जनरल कैरेक्टर में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, उनके हैबिट के बारे में देखेंगे, क्योंकि हैबिट को देखना काफी जरूरी हो जाता है। बेसिक चीजें यहां से हम उठा के आगे बढ़ेंगे जो आपके लिए काफी जरूरी होगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा यहाँ पे इसके आवास के बारे में। हैबिट का मतलब होता है आवास, कहाँ रहता है, यानी जितने भी हमारे इनवर्टिवेट हैं, इनवर्टिवेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे हो सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। आप देख पा रहे होगे तो जो इनवर्टिवेट होते हैं, क्या जो हमारे इनवर्टिवेट होते हैं, कहता द इनवर्टिवेट ऑक्यूपाई ए ग्रेट वैरायटी ऑफ हैबिटेट एंड हैव एडॉप्ट, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे इनवर्टिवेट होते हैं, क्या जो हमारे अकशेरुकी जीव होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो आवास हैं, जो जगह हैं जहां पे वो रह सकते हैं, उनको उन्होंने कब्जा कर रखा है। और एडॉप्ट का मतलब होता है उन्होंने उनको अनुकूलित कर लिया है, यानी अपने आप को उस स्थान के बेसिस पे अपने आप को ढाल लिया है, या कह सकते हो कि अपने आप को जीवन जीने का तरीका बना लिया है। इसके बारे में अब आगे क्या कहता है बेटा, आगे कहता है कि ऑल 35 मस्ट प्रोबेबली ओरिजिनेट इन द सी, यानी ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आप सही तरीके से बनाकर रखिएगा। कौन सी ये लाइन, ठीक क्या रखेंगे बेटा, कहेंगे कि जो 30 फाइला हमारे पास हैं, किसके इनवर्टिवेट के हमारे पास 30 फाइला हैं, या कह सकते हो आज जो 30 फाइला हमको आज तक दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे किससे बने हैं, वो हमारे समुद्रों से ही ओरिजिन हुए हैं। इनके बारे में आपको बताना होगा और ये आप जानते रहना, क्योंकि आप इनवर्टिवेट के बारे में पढ़ो। कभी भी कोई भी चीज पूछे कि हमारे पास ओरिजिन कैसे होता है, जो फाइला उनका निर्माण कैसे हुआ है, तो जितने भी फाइला हैं सबका निर्माण कहीं ना कहीं समुद्रों से ही हुआ है। किससे हुआ बेटा, सब कहीं ना कहीं सबका निर्माण समुद्रों से ही हुआ है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि नंबर 2 हम बात करेंगे, नंबर 2 कह रहा है प्रोटोजोआ एंड, यानी प्रोटोजोआ की जब बात होती है, क्या होती है, जब प्रोटोजोआ की बात होती है और प्रोटोजोआ के साथ जो उसमें कैप्सो पार्टिल, क्या
पॉलिटन होते हैं, कैस्ट्रोपॉलिटन के बारे में बात करें तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। क्या होता है बेटा? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। खासकर हम बात करें किसके एंट अमीबा की बात करें, अमीबा की बात कर ले और समुद्र के अंदर की बात करेंगे तो वहां पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्फी, क्या बोलते हैं, एल्फीडियम की बात कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा परजीवी है जिसको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं, और जो उसके साथ साथ जो उसका सिम्बायोटिक कंडीशंस में होता है जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्राई निम्फा बोलते हैं, या ट्राई चिनिम्फा बोलते हैं। ये सब सारे क्या है, ये हमारे ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र के अंदर फ्रेश वाटर में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना कि हमारे पास क्या होंगे, जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं और प्रोटोजोआ के साथ पाए जाने वाले जो कैप्सोपॉलिटन होते हैं, कैप्सोपॉलिटन के इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो में कहां होता है बेटा, फ्रेश वाटर में होता है, यानी फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। जैसे हमारे कौन से, हमारे अमीबा हो गए, ये अमीबा जहां भी होगा वो कैसा होगा, फ्रेश वाटर एनएसी में होगा। और समुद्र में कौन पाया जाएगा, जब समुद्र की बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा, यहां पे बोलते हैं क्या बोलते हैं, एलएमफी, क्या बोलते हैं, एलएमफीडियम। तो एलएमफीडियम हमारे पास हो जाएगा जो कहां होगा, समुद्र में पाया जाएगा। पैरासिटिक कंडीशंस की बात करेंगे, ह्यूमन के अंदर पाया जाने वाला या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला जो वैरायटी है वो हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा। अभी बात करेंगे सिम्बायोटिक कंडीशंस में, मतलब साथ साथ कौन जीना मरना चाहेगा, वहां पे सिम्बायोटिक टेंडेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये इनका नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई, क्या बोलते हैं, देखो ये है ट्राई, ये है चिनिम्फा, ट्राई चिनिम्फा की बात कर लेंगे। और जो हमारे कुछ अलग ऑर्गेनिज्म है जैसे यहाँ पे क्या बोले कॉर्मेसोल की बात कर रहे हैं, कॉर्मेसोल की बात करेंगे तो कॉर्मेसोल में हमारे पास क्या आ जाएगा, ओलिपियम हो जाएगा, या सॉरी क्या हो जाएगा, ओपिलियम हो जाएगा, ओपिलिन या ओपिलियम, ओपिलिन कहते हैं इनको, ओपिलिन हो जाएगा। तो ये कुछ नाम हैं जो अलग अलग जगह रह रहे हैं। यदि आप इनवर्टिवेट के डाइवर्सिटी की बात करते हैं, उनके वास स्थान के डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो आपको ये जो हमने एग्जांपल बताया, चाहे हमने अमीबा का बताया, चाहे वहां पे एलेम्फीडियम की बताया, चाहे वहां पे हिस्टोलिका का बताया, चाहे वहां पे ट्राइचिनिम्फा का बताया, ये सारे के सारे, चाहे हमने ओपिलिन की बात किया, ये सारे अलग अलग टेंडेंसी में है। आपको एक ही जगह सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे सारे वैरायटी के, चाहे वो किसके हो, फ्रेश वाटर के हो, चाहे मेराइन के हो, चाहे पैरासिटिक के हो, चाहे सिम्बायोटिक के हो, चाहे वहां पे कॉर्मेसोल की हो। तो ये सारा चीजों आपको ये जगह देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये पॉइंट्स अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी कोई प्रॉब्लम बेटा? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पंज, यानी जितने भी हमारे ये प्रोटोजोआ के बारे में बात किया, ये स्पंज के बारे में बात कर रहा है कि मोस्ट ऑफ जो स्पंज होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, उसमें खासकर हम बात करेंगे स्पॉन्जिला को छोड़ के, किसकी बात करेंगे, जो हमारा स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे स्पंज होते हैं वो बात करेंगे हाइड्रा और स्पॉन्जिला को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे स्पंज होते हैं। ठीक है, देखो स्पंज में इसको स्पंजिला को छोड़ दिया जाएगा और सिलेंट्रेटा में किसको, हाइड्रा को छोड़ दिया जाए, तो सारे के सारे जितने भी हमारे लोग होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, मेराइन्स होते हैं, यानी वो समुद्र के आस्थान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कभी भी पूछे कि स्पंज कहाँ होते हैं, मेराइन में होते हैं, सिलेंट्रेटा कहाँ होते हैं, मेराइन में होते हैं, लेकिन आप जब बात करेंगे स्पंज की तो स्पंजिला को छोड़ देंगे, और जब बात करेंगे सिलेंट्रेटा की तो आपने हाइड्रा को छोड़ देना है, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, मेराइनल वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं बेटा, फ्रेश वाटर में भी एग्जिस्ट करते हैं। इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए छोटे छोटे बेसिस पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आप बीपीएससी और बाकी एग्जाम यदि देने जाओगे, यूपीएससी में तो नहीं, बीपीएससी में मल्टीपल चॉइस हो गया है, बीपीएससी का एग्जाम और बाकी जो हमारे एलटी ग्रेड और बाकी जो टीचिंग के क्राइटेरिया है वहां पे एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा मैराइन वाटर में एग्जिस्ट करता है, उनका हैबिटेट है, और उसमें हमारे पास स्पॉन्जिला का नाम आया है या कौन सा नहीं है स्पॉन्जिला का नाम आया है, तो आपको इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा, या वैसे सिलेंट्रेटा के अंदर जो हाइड्रा होता है उसके बारे में मेरे को ध्यान देना पड़ेगा।
उसके बाद बात करते हैं बेटा दूसरा अगला हेलमेंथीज के बारे में। तो हेलमेंथीज जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग वैरायटी काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिलता है। ज्यादातर जो हमारे लोग होते हैं वो फ्री लिविंग के रूप में काम करते हैं। जैसे हमारे पास फ्री लिविंग के रूप में कौन काम करेगा, वहां पे छोटा सा पाया जाने वाला जो हमारा क्या होता है जिसको प्लेनेरिया बोलते हैं, क्या होते हैं प्लेनेरियन जो होते हैं, प्लेनेरियंस होते हैं वो फ्री लिविंग करते हैं। लेकिन बाकी जो हमारे होते हैं वो एक्टो पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं, एक्टो पैरासाइट्स एंड इंडो पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं। यदि एक्टो पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं तो वहां पे जायरो और जो डक्टाइल्स हैं, क्या जायरोडक्टाइल्स फ्लूक है वो हमारे एक्टो पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं। वहीं हमारे पास जो इंडो पैरासाइट्स के रूप में जो होते हैं वो ब्लड फ्लूक आपको दिखाई देंगे। तो कभी भी एमसीक्यू यहां से भी बेटा आपको आ सकता है, आप इसको भी नोट करना, कभी पूछ सकता है कि ब्लड फ्लूक जो होता है वो कैसा होता है। तो ब्लड फ्लूक जो होता है वो इंडो पैरासाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। वहीं यहां पे किसके बारे में बात करें, यहां पे बात कर रहा किसके बारे में, जायरो, क्या बोलते हैं गायरो इनको कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग जायरो बोलते हैं, वैसे जायरोडक्टाइल्स हैं। तो जायरोडक्टाइल्स जो फ्लूक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक्टो पैरासाइट्स होते हैं, यानी बॉडी के बाहर रह के न्यूट्रिशन मटेरियल को एब्जॉर्ब करना और ये बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन मटेरियल को एब्जॉर्ब करना, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। और वहां पे फ्री लिविंग की बात करेगा तो प्लेनेरियन जितने होते हैं, प्लेनेरिया आपने देखा होगा, नाम सुना होगा पीछे, प्लेनेरिया जितने होते हैं वो सारे सारे कैसे होते हैं, फ्री लिविंग टेंडेंसी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो रहा कुछ पॉइंट्स हेलमेंथीज तक। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट जितने लोगों को करना है वो कर सकता है बेटा, लेकिन जितना भी एमसीक्यू बता रहा हूं उन चीजों को आप भूलिएगा नहीं, सबके बारे में आपको डिस्कस होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि हाँ सर ने ये क्लास में बता रखा था इसीलिए मेरे को भागना नहीं है, मतलब क्लास में बहुत तेजी से भागना नहीं है। हर एक क्लास के अंदर जो भी नोट्स हैं उनको काफी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ताकि आप बेहतर एजुकेशन ले पाए, क्योंकि आप भिन्न आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मुस्कुराइए आप लखनऊ आए हैं, वैसे ही आप पढ़िए आप भिनार आए हैं, जो कहानी है स्वयं बता दे रहा बेटा सब चीज। आगे बात करते हैं एनलिडा के बारे में कि एनलिडा का कैसा कंडीशंस होगा। तो एनलिडा का डिफरेंट हैबिट, यानी जो एनलिडा होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिट को कंप्लीट करते हैं। मोस्टली ये कैसे होते हैं बेटा, इक्वेटिक होते हैं, क्या होते हैं मोस्टली इक्वेटिक होते हैं, फ्रेश, क्या कह रहा है, फ्रेश वाटर कॉमन लीच, ठीक है, मैराइन पॉलीचिट्स, यानी हमारे पास फ्रेश वाटर इक्वेटिक तो होंगे लेकिन जो फ्रेश वाटर में कहाँ पाया जाएगा बेटा, जो जोक होते हैं वो पाए जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास मैराइन के अंदर क्या पाए जाएंगे, जितने भी पॉलीचिट्स होते हैं, पॉलीचिट्स जितने होते हैं वो सारे हमारे देखने के लिए मिल जाएंगे। कह रहा विल ए फ्लू एनलिड्स एंड टोरिस्ट्रल, यानी एनलिड्स के जो एनिमल्स होते हैं कुछ एनिमल एनलिड्स के वो स्थान पे भी पाए जाते हैं, यानी टोरिस्ट्रल भी आपको दिखाई देंगे, एंड फाउंड इन, ठीक है, यानी गीला जो हमारे पास होता है मोस्ट सॉइल, अर्थवर्म इसका एग्जांपल है, अर्थवर्म देखेंगे तो गीली मिट्टी में आपको दिखाई देता हुआ दिखाई देगा, यानी नम मिट्टी में आपको अर्थवर्म दिखाई देगा। यानी एनलिड्स के अंदर भी, जो एनलिडा है उसके अंदर भी हमारे तीन तरह के हैबिट्स देखने के मिलेंगे, ठीक है। पहला कैसा मिलेगा बेटा, पहला मिलेगा फ्रेश वाटर में रहने वाले, कैसा मिलेगा फ्रेश वाटर में रहने वाले जो हमारे लीच होते हैं वो मिल जाएंगे, और मैराइन वाटर में रहने वाले पॉलीचिट्स मिल जाएंगे, और टोरिस्ट्रल में रहने वाले हमारे कौन मिल जाएंगे, अर्थवर्म मिल जाएंगे। तो ये भी वैरायटी आप याद रखना, इनके नाम अच्छे से नोट करके एकदम रखे रहना, जो आपको काम देगा, ठीक है। जब बात करते हैं बेटा आर्थ्रोपोडा के बारे में, कि आर्थ्रोपोडा के बारे में क्या कहानी है, क्या इसके बारे में कहना चाहते हो, जब आर्थ्रोपोडा के बारे में कहानी आती है तो कह सकते हो कि आर्थ्रोपोडा फॉर्म है मोस्ट डराइव, यानी आर्थ्रोपोडा भी काफी डराइव होता है, ये बायोलॉजिकल सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल है, यानी पूरे एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक जो अभिन्नताएं पाई जाती हैं, सबसे अधिक डाइवर्सिटी किसी फाइला के अंदर मिला है, तो वो मिला है हमारे आर्थ्रोपोडा के अंदर। क्यों, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के अंदर 90,000 से ज्यादा, कितने, 90 सॉरी हाँ लगभग 9 लाख, सॉरी 9 लाख से ज्यादा हमारे स्पीसीज पाए जा रहे हैं। जब 9 लाख से ज्यादा स्पीसीज हैं तो इनमें डाइवर्सिटी तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, ठीक है, मतलब पूरे इनवर्टिबेट का 84% आई थिंक 83% क्लियर करता है, ठीक है। इसी वजह से जो बायोलॉजिकल सक्सेसफुली बहुत हो रहा है वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे पूरे एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। कह रहा है दे लिव इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट्स, मतलब इस सीरीज में आर्थ्रोपोडा में पाए जाने जो एनिमल्स होते हैं वो दुनिया के हर एक फॉर्म में देखने को मिलेंगे, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वो IPL हो, TPL हो, कहीं भी मिल जाएंगे वो, मतलब ऑलराउंडर्स हैं, जहां खोजोगे वहां आर्थ्रोपोडा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे बात कर रहा है कि आर्थ्रोपोडा की बात करें, ओनली क्रस्टेशिया जो होते हैं, क्रस्टेशिया ये लार्जली,
ठीक है, मेराइंस और क्रस्टेशिया की बात करेंगे तो क्रस्टेशिया में आने वाले जितने भी स्पीसीज हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, मेराइनल होते हैं। कैसे? सारे के सारे मेराइनल्स होते हैं। मेराइनल में हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, यहाँ पे मकड़ियां के बारे में। मकड़ी मतलब क्रस्टेशिया जो हमारे पास होते हैं और सारे सारे मेराइनल्स होते हैं, जबकि जो कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मेराइनल नहीं है, स्थली होते हैं यानी टोरिस्ट्रल होते हैं। जैसे हमारे पास कौन से, मकड़ी को आपने देखा होगा घर पे जल लगाते हुए, वो हो गया। उसके बाद सेंटीपीड हो गया, मिलीपीड हो गया, और जो बड़े वाले कीट्स होते हैं, जो फतंगे होते हैं ना, कीट फतंगे जो होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको आप देखो तो वो सारे सारे क्या मिल जाएंगे, टोरिस्ट्रल होते हैं। और जो मक्खियां होती हैं वो भी हमारे पास क्या होती हैं, कहीं ना कहीं टोरिस्ट्रल ही होती हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं मोलस्का के बारे में। मोलस्का कह रहा है यार मोस्टली मेराइन, यानी जितने भी मोलस्का के एनिमल्स हैं, क्या हैं, जितने भी मोलस्का के एनिमल हैं सारे सारे कैसे होते हैं, मेराइन्स होते हैं, मेराइनल्स होते हैं, पानी में पाए जाएंगे, समुद्री जलीय जीव होते हैं। जैसे हम लोग बात करें पाइला के बारे में, हम लोग बात करें वहां पे क्लेम्स के बारे में, हम लोग ये सब सारे कहाँ होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। लेकिन कुछ हमारे जो होते हैं वो टोरिस्ट्रल भी होते हैं, जैसे यहाँ पे लिमेक्स जो होता है वो हमारे टोरिस्ट्रल फॉर्म में भी दिखाई देगा। तो कुछ एग्जाम्पल है जिनके बारे में आप सही तरीके से डिस्कस कर लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना। बात करेंगे लास्ट हमारे पॉइंट्स है इकानोडर्मेटा। ठीक है, इकानोडर्मेटा क्या कहता है, नंबर नाइन, नंबर नाइन कह रहा है कि यू आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, यानी ज्यादातर जो हमारे इकानोडर्मेट्स होते हैं वो मुख्य रूप से कैसे होते हैं बेटा, समुद्री होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे कैसे पूरा का पूरा इकानोडर्मेटा का हैबिट के बारे में। आगे चलते हैं, पहले स्क्रीनशॉट कर लो फिर आगे बढ़े। हिंदी में नहीं पढ़ना चाहिए बीएससी, आगे बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट करो फिर आगे बढ़े। आगे ठीक, यहां देखो बात करते हैं साइज के बारे में। नंबर टू हमारा करेक्टर क्या है, साइज। आज साइज मैटर तो करेगा, ठीक है, क्या करेगा, साइज के बारे में तो बातचीत किया जाएगा। कह रहा है कि द इनवर्टिबेट, ठीक है, एक्सहिबिट ए ग्रेट वेरिएशन इन साइज, यानी जो इनवर्टिबेट के एनिमल्स होते हैं उनके वेरिएशन मतलब उनके साइज में, उनके आकार की बात करें, उनके आकार में काफी विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। कहां से बेटा, हम बात करेंगे दे आर रेंज ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ, यानी इनकी जो रेंज होती है वो माइक्रोस्कोपिक जो हमारा प्रोटोजोआ है वहां से स्टार्ट होता है और वो सिफेलोपोड्स तक जाता है। कहां तक जाता है, लार्ज साइज जो हमारा सेफेलोपोड्स होता है वहां तक जाएगा। यानी ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हमारे इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कभी कभी हमसे भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, यानी लार्ज साइज ऑफ सेफेलोपोड्स के बारे में कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट प्रोटोजोआ इन द प्लाज्मोडियम ऑफ ये ह्यूमन आरबीसी, यानी सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटोजोआ की बात करते हैं। ये नोट करना बेटा, ये आपको काम देगा एमसीक्यू के सीरीज में, क्योंकि आप देंगे बेहतर परीक्षाओं में तो ये आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कभी पूछेगा तो बताइएगा कि हमारे पास क्या होगा एमसीक्यू के, पूछे कि लॉ सबसे स्मॉलेस्ट हमारा जो प्रोटोजोआ है वो क्या है, प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम मतलब मलेरिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आप किसका, आरबीसी, ह्यूमन के आरबीसी सेल में पाया जाने वाला जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ग्रैंड, क्या कह रहा है अगला कह रहा है ज्वाइंट स्क्वाड, क्या कह रहा है, ज्वाइंट स्क्वाड के बारे में बात करें कि ज्वाइंट स्क्वाड जो है वो एक बड़े आकार का सिफेलोपोर्स है। क्या है, सिफेलोपोर्स है, तो इसके बारे में भी आपको बात किया जाएगा एमसीक्यू के बारे में पूछा जाएगा, तो इनके बारे में भी याद रखना। ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, किसके बारे में, जो हमारा इनवर्टिबेट है, यानी इनवर्टिबेट के बारे में जब बात होगा तो अब इनके बारे में क्या डिस्कस करेंगे, इनके बारे में दो चीजें हमको हमेशा डिस्कस करना पड़ेगा। एक बात करेगा सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट्स के बेसिस पे, क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉलेस्ट पॉइंट के बेसिस बात करेंगे, तो क्या बात करेंगे कि हमारा जो प्लाज्मोडियम है, क्या है, जो हमारा प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम होता है किसमें, हम बात करेंगे ह्यूमन आरबीसी, ठीक है, किसमें, ह्यूमन
आरबीसी जो हमारे पास होगा ये पाया जाएगा। दूसरा हमारा सेक्शन क्या होगा, दूसरा हमारा ज्वाइंट स्क्वाड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेटा, हमारा ज्वाइंट स्क्वाड पाया जाएगा। जो ज्वाइंट स्क्वाड होता है, ठीक, इसके बारे में ध्यान देना, जो ज्वाइंट स्क्वाड होता है ये हमारे सबसे लार्ज साइज होते हैं। इनको बोल सकते हो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनको बोल सकते हो लार्ज साइज, ठीक है, क्या होंगे, लार्ज साइज होंगे। तो दो चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये किसके हैं, ये सिफेलोपोड्स के एनिमल है। किसके हैं, ये हैं सिफेलोपोड्स के, ठीक है, सिफेलोपोड्स के हैं। और ये किसके हैं, ये हमारे हैं प्रोटोजोआ के। किसके, यहां पे हैं प्रोटोजोआ के। तो ये बेसिक चीज है, जब इनवर्टिब्रेट को हम लोग क्लासिफाई कर रहे होंगे इस साइज के बेसिस पे, तो हम किसको देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट होता है वो प्लाज्मोडियम होता है ह्यूमन आरबीसी के अंदर, और जो लार्ज साइज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ज्वाइंट स्क्वाड होता है सिफेलोपोड्स के अंदर, ठीक है। ये सिफेलोपोड्स पाया जाएगा, ये प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना। सर हिंदी मीडियम में नहीं चले चलाए करते, बताइए ना बेटा, हिंदी मीडियम ही पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो तो हिंदी में बोल रहा हूँ ना, पढ़ते रहो, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है मेजर अबाउट और सिक्स सिक्सटी और क्या कह रहा है, 16.5 मीटर इन लेंथ, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये इनके जो लेंथ होती है कितनी होती है बेटा, वो 16.5 मीटर हो सकता है। कितना, 16.5 मीटर, यानी काफी बड़ा हो सकता है। कहता था लार्ज, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इन द, अच्छा इनके बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि जबकि इससे बड़ा भी हमारे एक कशेरुकी होता है, ठीक है, एक टैप वर्म होता है जिसके बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं डिफाइलो ब्रोथियम, ठीक है। डिफाइलो ब्रोथियम जो टैप वर्म होता है वो इससे बड़ा भी देखने के लिए मिल सकता है। ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपके साइज के बारे में रहा बेटा, इसको भी स्क्रीनशॉट करो, ये अलग से नोट कर लेना, ये जो मैंने बोला है इसको अलग से नोट करके बना लेना, ठीक है, जल्दी करो। गया बेटा, आगे बढ़े, आगे देखो क्या कह रहा है, सिमेट्री के बारे में बात कर रहा है। काफी बड़ी चीजें हैं, इनके बारे में देखना तो काफी जरूरी हो जाता है। जब सिमेट्री के बारे में बात होता है तो यहाँ पे क्या डिस्कस होगा, यहाँ पे डिस्कस होगा कि कहता क्या है, ऑल सिमेट्रीज, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाई द इनवर्टिब्रेट, यानी जितने भी टाइप के सिमेट्रिकल कंडीशंस इनवर्टिब्रेट में देखे जा सकते हैं, यानी जितने भी सिमेट्रिकल कंडीशंस होते हैं, लगभग लगभग सारे टाइप के सिमेट्रिकल कंडीशन इनवर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना, यानी कह सकते हो कि सभी प्रकार के जो हमारे समरूपताएं होती हैं, उन सभी प्रकार के समरूपताओं के बारे में जो इनवर्टिब्रेट जीव होते हैं, ठीक, अकशेरुकी जंतु होते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हैं। ये चीज आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसके बारे में, हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। किसके बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में। कह रहे जो प्रोटोजोआ होता है वो किस टाइप का, वो बाइलेटरल होता है। कैसा होता है, बाइलेटरल होता है। एज कह रहा है कि एज वेल एज क्या, एज वेल एज रेडियल सिमेट्रिकल विल कम आर एसिमेट्रिकल कंडीशंस, ठीक है। यानी कह सकते हो कि ये द्विपक्षीय जो हमारी स्थिति होती है उनको ये दिखाता है, और साथ ही रेडियल समरूपता दिखाता है, जबकि जो कुछ हमारे प्रोटोजोआंस होते हैं वो एसिमेट्रिकल कंडीशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटोजोआ के बारे में कभी पूछे, प्रोटोजोआ के सिमेट्री के बारे में कभी पूछे, तो आपको ये चीजें आपको डिस्कस होना चाहिए, आपको ये बातें याद होना चाहिए। आप यदि बिहार से हैं तो भी आप इसको पढ़िए, आप यूपी के फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो भी आप इसको पढ़िए, आप यदि एमएससी करने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे क्लास को देखिए। रीजन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरा क्लास है इसलिए देखिए, मेरे क्लास के अंदर जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं वो आपको ऐसे चीजें छाट के लगाई जाती है, ऐसे चीजों को नोट्स बनाया जाता है ताकि आपको बेहतर समझ में आए और आप क्लू जो पॉइंटेड है उसको सही तरीके से समझ पाए
है कि ना ये चीजें जरूरी हैं जूलॉजी के अंदर, इसी चीज के बारे में डिस्कस करना होगा और इनको जानना काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारे चीजों के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के बारे में क्लियर हो जाएगा कि रेडिकस पहले तो बाइलेटरल होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जबकि वो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग होते हैं जो एसिमेट्रिकल प्रेजेंट करते हैं। बात करेंगे स्पंज के बारे में कि जो स्पंज होते हैं उनके बारे में क्या कहानी है सर। तो स्पंज जो होते हैं बेटा वो एसिमेट्रिकल कंडीशन दिखाते हैं और कभी कभी ये रेडियल सिमेट्रिकल भी शो करते हैं। तब इनको भी नंबर टू के पॉइंट में ऐसे देखो, इसको नंबर एक बना लो, हमको बना लेना चाहिए था, इसको नंबर दो बना लो। ठीक है, अब इसको नंबर तीन बना लेंगे कि हमारा जो सिलेंट्रेटा है वो कैसा दिखाएगा। सिलेंट्रेटा हमारा रेडियल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये रेडियल सिमेट्रिकल क्या है, ठीक है, एसिमेट्रिकल क्या है, ठीक है, बाइलेटरल क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस करूंगा एक नए एपिसोड में, जहां पे हम जो सिमेट्री को देखेंगे तो सिमेट्री के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उनके सिमेट्रिकल फॉर्म को देख लिया जाएगा। ठीक है, अभी बस आप याद कर लो इनको, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे अभी कुछ दिन बाद। ठीक है, तो ध्यान देना, जो सिलेंट्रेटा है वो कैसा है, रेडियल सिमेट्रिकल कंडीशंस में पाया जाएगा। ठीक है, और जो सी एनेमोन की बात करें ये कैसे होते हैं, और जो हमारे पास यहाँ टीनोफोरा होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बाइलेटरल सिमेट्री या कहते हैं बाई रेडियल सिमेट्रिकल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहता है द मेंबर ऑफ द रिमाइनिंग ऑफ फाइला आर मोस्टली बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो हमारे पास जो बचे हुए यानी ऊपर के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, यानी ऊपर के चार लोगों को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जो हमारे चार फाइला को छोड़ने के बाद बाकी जो शेष फाइला बचता है, सभी के सभी फाइला के अंदर ज्यादातर कंडीशंस में बाइलेटरल क्या, बाइलेटरल जो हमारा या बाइलेटरली और सिमेट्रिकल कंडीशंस रिप्रेजेंट होता है, और कुछ में स्फेरिकल की बात कर रहा है या यूनिवर्सल सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेड। ठीक है, यानी कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं उनके अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स भी क्लियर होते हैं, लाइक जैसे होलियोजोआ जो हमारे पास है, किसको, होलियोजोआ की बात कर रहे हैं या रेडियो लेरिया की बात कर रहे हैं, इनके जो प्रोटोजोआ होते हैं यानी ये जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो स्फेरिकल या हमारे पास यूनिवर्सल सिमेट्रिकल भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके बारे में बेटा एमसीक्यू आ सकता है कभी कभी, क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि स्फेरिकल के बारे में आप क्या जानते हो। स्फेरिकल सिमेट्रिकल तो होता नहीं है, या फिर हमारे पास जो हमारा क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, यूनिवर्सल की बात कर रहा है, यूनिवर्सल सिमेट्रिकल और रेडियल सॉरी स्फेरिकल सिमेट्रिकल के बारे में कोई कंडीशन बोलता नहीं, लेकिन एमसीक्यू पूछ सकता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो बताएंगे कि सारे के सारे कहाँ होते हैं, ये हमारे प्रोटोजोआ के जो लोग होते हैं, प्रोटोजोआ के जो दो ग्रुप हैं इनके अंदर आपको मिल जाएगा। पहला क्या मिल जाएगा, इनके जो ऑर्डर्स हैं और क्लासेस हैं उनके अंदर, खासकर ऑर्डर के अंदर हम बात करेंगे, जो हमारे क्या होते हैं हेलियोजोआ होता है, हेलियोजोआ के अंदर मिल जाएगा, और दूसरा हमारा जो रेडियो लेरिया होता है उसके अंदर मिल जाएगा। तो इनके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए आपको। ठीक है, ये एमसीक्यू के अंदर याद रखना, कभी पूछ सकता है कि होलियोजोआ के अंदर निम्न में से किस टाइप का सिमेट्रिकल कंडीशंस होता है, तो बताइएगा कि उनके अंदर स्फेरिकल या यूनिवर्सल जो भी ऑप्शन होगा उनमें से आप टिक करिएगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट हमारे पास है इकाइनोडर्मेट के बारे में। जो इकाइनोडर्मेट होते हैं, खासकर हम पेंडासिरोस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे रेडियल सिमेट्रिकल होता है। स्टारफिश की जब बात करते हैं तो वो स्टारफिश कैसा होता है, रेडियल सिमेट्रिकल कंडीशंस के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको पेंटामेरस की बात कर रहे हैं। तो पेंटामेरस के अंदर हमेशा, पेंटामेरस या स्टारफिश के अंदर हम बात करेंगे तो उनके अंदर रेडियल सिमेट्री कंडीशंस ही मिलता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारे फाइला रहे बेटा जो ऊपर से नीचे तक हमने इसको बारे में डिस्कस कर लिया। कह रहे हैं एनिमल हैविंग रेडियल सिमेट्रिकल आर प्लेस्ड इन रेडिएटा विल द एनिमल फॉर्म द, ठीक है, यहाँ पे फ्लैट वर्म ऑन, ठीक है, कह रहे हैं अनवर्ड इन हैविंग प्राइमरली बाइलेटरल सिमेट्रिकल आर प्लेस्ड इन बाइलेट, क्या बोल रहा है, बाइलेटरिया, यानी सिंपल तरीके से बात कर रहा है, छोटा सा चीज है लेकिन इसके बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं जब आए हैं। तो कहता क्या है, कहता है कि हमारे पास जो रेडियल सिमेट्रिकल कंडीशंस होते हैं, क्या कहता है कि जो रेडियल समरूपता वाले जो हमारे जानवर होते हैं उनको रेडिएटा में रखा जाता है। ठीक है, यानी जितने भी एनिमल रेडियल सिमेट्रिकल दिखाएंगे उनको रेडिएटा के अंदर हम लोग प्लेस्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, उनको रेडिएटा के अंदर प्लेस्ड कर देंगे, या कह सकते हो कि वे एनिमल जो रेडियल सिमेट्री को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, रेडियल सिमेट्री को दिखाते हैं, उनको हम लोग रेडिएटा के अंदर रख देते हैं, जबकि
जो रेडिएटा है या जानवरों को रेडिएटा में रखा जाता है, जैसे हम लोग बात करेंगे और फ्लैट वर्म के बारे में कि फ्लैट वर्म के आगे का जो हिस्सा होता है वो अलग होता है और मुख्य रूप से जो वो कैसे होते हैं, वो बाइलेटरल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइलेटरल होते हैं। कौन? हमारे फ्लैट वर्म। क्या होते हैं? फ्लैट वर्म। इसीलिए इसी कंडीशंस में इनके वजह से इनको बाइलेटेरिया, क्या बोलते हैं, बाइलेटेरिया के अंदर रखा गया है। तो हमने समझा है आपको कि रेडिएटा क्या है, रेडिएटा के अंदर जब रखा जाएगा तो मतलब उनका रेडियल सिमेट्रिकल कंडीशंस हैं, ठीक है। और बाइलेटेरिया के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि उनके आगे का जो सर वाला हिस्सा होता है, जो उनके क्या कहते हो कि जो चूसने वाला हिस्सा, माउथ एरिया होता है, वहां का जो हिस्सा होता है, उसके वजह से वो कैसे दिखाते हैं, वो उनके बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्रिकल सिमेट्री दिखाते हैं। इस वजह से उनको कैसे बायलैटरिया के अंदर रख दिया जाता है। अगला कह रहा है कि बेटा रेडियल सिमेट्रिकल यानी रेडियल सिमेट्री इज सपोर्टेड और टू मोर प्रिमेटिव देन द, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल द रेडियल सिमेट्री इज फर्दर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। यानी कहने का मतलब सिंपल तरीके से है यहाँ पे कि जो रेडियल समरूपता होता है, रेडियल समरूपता को यानी रेडियल जो सिमेट्री है उसको हम लोग किससे अलग कर रहे हैं, हम लोग अलग कर रहे हैं बायलैटरल सिमेट्री से। तुलना यदि किया जाता है तो ज्यादा प्रिमेटिव माना जाता है। तो इसी वजह से हम लोग रेडियल सिमेट्री के बारे में यदि पढ़े तो उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया बेटा, ठीक है बेटा, आप पूछ लिया करें, मैं बता देंगे। सुनील यादव, आगे देखो, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, यहां पे एग्जाम्पल हैं रेडियल सिमेट्री के। जब रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो चार एग्जाम्पल हमारे पास निकल के आ जाते हैं। पहला हम लोग यहाँ पे टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे। इसको स्पष्ट करता है यहाँ पे हमारे पास जेलीफिश। इसके अंदर चार हमारे पास क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। उसके बाद बाई क्या बोल रहा है, बाई रेडिया क्या बोल रहा है, बाई रेडियल और सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं। चाहे हम लोग बात करेंगे समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में। अगला कह रहा है यहाँ पे पेंटामेरस की बात कर रहा है। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्रिक की बात करेंगे तो इकानोरमेटा के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो सारे सारे कैसे होते हैं, वो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री को ही स्पष्ट करते हैं, ठीक, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगला क्या है, कह रहा है हेक्सामेरस की बात करें तो हेक्सामेरस रेडियल सिमेट्री किसके अंदर होता है, ये भी सीनम जो हमारे पास सी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर आपको डिस्कस मिल जाएगा। इनके बॉडी पार्ट होते हैं जो छह भाग में डिवाइड होते हैं, इनके पांच भाग में होते हैं, ठीक है, और इनके जो बॉडी पार्ट होते हैं वो दो भाग में होते हैं, इनके बॉडी पार्ट जो होते हैं वो चार भाग में डिवाइड होते हैं। इस वजह से उनको डिस्कस किया गया है, ठीक है बेटा। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे या आप इनको भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे, अच्छे से कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखेंगे कि क्या कहता है हमारा ये आज का पॉइंट्स। हमारा कैमरा में कुछ हो गया है, उस पे बहुत ज्यादा पता नहीं कहाँ से धूल आके जम गया है, उसी को देखने गए थे, हमारा चेहरा आ गया उसमें। कोई नहीं, हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। तो ना बोलते हो नहीं, इतने लोग देखोगे हमको लगता है कि बोलते काहे नहीं भाई, थोड़ा बोला करो ना। चलो
अगला बात करते हैं बेटा जर्म लेयर की। किसके बारे में बात करेंगे? जर्म लेयर के बारे में बात करेंगे। जब जर्म लेयर के बारे में बात करते हैं तो हमें छोटी छोटी बात को भी ध्यान देना पड़ता है। जर्म लेयर का मतलब होता है कि बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन लेयर कैसे हैं उनके बारे में ध्यान देना, यानी उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है। तो कहता है इनवर्टिब्रेट एबिट ऑल थ्री टाइप जर्म लेयर, यानी तीन टाइप के ये जर्म लेयर को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। किसको करते हैं? थ्री टाइप के जर्म लेयर को सपोर्ट करते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना। पहला किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? पहला बात कर रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है इनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बना कैसे है, इनके बारे में डिस्कस करना होता है। तो कहता है क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो कहता है कि द एनिमल बॉडी, ठीक है, कह रहा है द एनिमल बॉडी इज फॉर्मेड, ठीक है, ऑफ मेनी सेल्स बट द सेल्स शो, ठीक है, नो कोऑर्डिनेशन और टू फॉर्म टिश्यू और स्पंज। यानी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बातचीत करता है। क्या बात करता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बातचीत करता है जिनके बॉडी के अंदर, इनके जिनके बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं, क्या जिनके बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं वो तो मल्टीपल हो सकते हैं, अधिक से अधिक पाए जा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। क्या होगा? उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, यानी वो आपस में कभी भी कोलैप्स नहीं कर सकते, आपस सॉरी कोलैप्स नहीं, आपस में कभी जुड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी उनके सेल्स के अंदर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाएगा, इसके वजह से वो ठीक तरीके से टिश्यू का निर्माण नहीं कर पाते हैं। क्या? वो ठीक तरीके से टिश्यू का निर्माण नहीं कर पाते हैं, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में स्पंज हो जाएंगे। अगला कह रहा है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखेंगे? कहता है द एनिमल बॉडी इज फॉर्मेड ए मेनी टाइप सेल्स विच कोऑर्डिनेट फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन एंड फॉर्म फोर टाइप ऑफ टिश्यू, यानी चार टाइप ऑफ टिश्यू से उनके पूरी बॉडी की बनावट हुई रहेगी और उनके सेल्स भी आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे हमारे कौन कौन से टिश्यू हो सकते हैं? जैसे हमारे टिश्यू हो सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू हो सकते हैं, हमारे पास कौन, हमारे कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, हमारे मस्कुलर टिश्यू हो सकते हैं और हमारे जो नर्वस टिश्यू हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? स्प्लिंटरेटा लाइक हाइड्रा की बात कर रहा है। यानी हम लोग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन उनको बोलेंगे जिनके बॉडी में सेल्स का कोऑर्डिनेशन हो चुका हो, यानी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण कर चुके हो। ठीक है, और ये कितने टाइप के सेल्स मिलेंगे? कम से कम चार टाइप के सेल्स यहाँ पे मिलने चाहिए। कौन कौन से बेटा? एपिथेलियल सेल्स की बात कर रहा है, उसके बाद हमारे कनेक्टिव की बात कर रहा है, एपिथेलियल मतलब होता है उपकला ऊतक की बात कर रहा है, और ये हमारे संयोजी ऊतक के बारे में बात कर रहा है, ये हमारे जो पेशी ऊतक है उनके बारे में बात कर रहा है, और ये हमारे जो तंत्रिका ऊतक है उनके बारे में बात कर रहा है। चार टाइप के जो हमारे ऊतक हैं ये कहीं ना कहीं टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, इनके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, जैसे एग्जाम्पल आपको ध्यान देना पड़ेगा तो एग्जाम्पल में आप हाइड्रा रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द बॉडी इज मल्टी सेलुलर एंड सेल कोऑर्डिनेट टू, ठीक है, फॉर्म टिश्यू ऑर्गन एंड सिस्टम। एग्जाम्पल जो हमारे फ्लैट वर्म होते हैं उनकी बात कर रहा है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज जो मल्टी सेलुलर होते हैं और उनके सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके पहले टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू आगे चल के ऑर्गन का निर्माण करता है और ऑर्गन आगे जाके सिस्टम का निर्माण करता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। जैसे हमारे जो फ्लैट वर्म है उनके बारे में, फ्लैट वर्म में पूरा उनमें एलिमेंट्री कैनाल है, उनमें नर्वस सिस्टम्स हैं, बाकी जो सूचनाएं हैं वो सारे के सारे उनमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, इसके बाद बेटा एक टाइप का और ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इनवर्टिब्रेट रिप्रेजेंट करता है, हमने नोट करके यहाँ पे लिख दिया है, इसके बारे में आपको नहीं दिख रहा होगा मैं बट बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा अलग से। कह रहा है द प्रोटोजोअन सो द, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितने भी प्रोटोजोआ के एनिमल्स होते हैं, खासकर प्रोटोजोआ के एनिमल कैसे दिखाते हैं बेटा? वो प्रोटोप्लाज्मिक लेयर दिखाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल तो, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स तो होते हैं, मेनी सेल्स तो है नहीं, एक ही टाइप का सेल होता है, क्योंकि सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सेलुलर सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि एक सेल पाया जाएगा, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये क्लियर आपको होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लो, ये भी आपको बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, ये भी आपको बड़ा काम आने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी करो फिर आगे चले।
ठीक है, आगे देखो बेटा, हम बात करेंगे जर्म लेयर के बारे में। किसके बारे में? जर्म लेयर के बारे में, कि जर्म लेयर कैसा होगा। अब इनवर्टिबेट के जर्म लेयर की जब बात किया जाता है तो बात कहता है प्रोटोजोआ के अंदर कि प्रोटोजोआ डू नॉट हैव एनी जर्म लेयर, यानी प्रोटोजोआ के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी जर्म लेयर नहीं होता। और इसी के साथ यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ऐसे कौन सा फाइला है, ऐसा कौन सा फाइला पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन के अंदर, या फिर क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सिंपल तरीके से क्वेश्चन, उसका नाम है कि ऐसा कौन सा कुछ वहां पे ऑर्गेनिज्म के बारे में, कोई जीव के बारे में वहां पे नाम दे दे और वहां पे बोल दे कि निम्न में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्या हो, जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं है। तो आप सोचोगे कि सर ने तो बताया था कि जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन सर ने ये नहीं बताया था कि जर्म लेयर किसी में हो भी नहीं करता। मतलब शुरू में क्या कहानी थी, शुरू में मानता भी ऐसी थी कि जर्म लेयर का होना यानी जीव का होना यानी जर्म लेयर का होना, लेकिन प्रोटोजोआ के आने के बाद ये सारा कंडीशंस अलग ही हो गया था। ठीक है, यानी प्रोटोजोआ होगा तो उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक, अदर जो इनवर्टिबेट्स होते हैं उनके अंदर डिवाइडेड टू कैटेगरी, यानी जो अदर वर्टिबेट्स हैं उनके अंदर दो टाइप के हमारे जर्म लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन बेटा। पहला यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है दो जर्म लेयर का पाया जाना और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है तीन जर्म लेयर का पाया जाना। ठीक है, यानी कहता है होल बॉडी, एक पूरी बॉडी उनकी बनी होती है। कैसे बेटा? दो जर्म लेयर की कौन, एक आउटर लेयर होता है एक इंटरनल लेयर होता है। ध्यान देना, क्या? आउटर लेयर एंड इनर लेयर। देखो ध्यान देना, इनकी बॉडी दो जर्म लेयर की होगी। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्टोडर्मी। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। ठीक है, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहां पे एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ऑफ गैस्टुला, यानी गैस्टुला स्टेज की बात करें। ठीक है, वहां पे आपको गैस्टुलेशंस के प्रोसेस के अंदर आपको ये चीजें क्या मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर दो जर्म लेयर पाए जाएंगे। और ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे एनिमल को हम बोल देंगे डिप्लो। क्या बोल देंगे? और डिप्लोब्लास्टिक। क्या मिल जाएंगे इनको? और डिप्लो ब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोल देंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक का कभी नाम आएगा तो समझ जाना बेटा कि इनमें दो जो जर्म लेयर होते हैं, एक आउटर होता है जिसको एक्टोप्लाज्म एक्टोडर्म कहते हैं और जो इनर होता है उसे इंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करेंगे लोग तो स्पंज के बारे में बता देना और जो सिलिंड्रेटा होते हैं वो, यानी स्पंज और सिलिंड्रेटा, आल टाइप स्पंज एंड आल टाइप सिलिंड्रेट जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगला कह रहा है ट्राइब्लास्टिक की बात करें, ट्राइब्लास्टिक की बात करता है तो कहता है कि द होल बॉडी इज फॉर्मेड बाय थ्री जर्म लेयर, यानी तीन जर्म लेयर यहाँ पे पाया जाएगा। तीन जर्म लेयर कौन कौन से होगा बेटा? यहाँ पे तीन जर्म लेयर का मतलब होता है सिंपल तरीके से ऐसा कुछ, ये बाहर जो पाया जाएगा इसको हम लोग आउटर लेयर बोलते हैं, यानी यहाँ पे बात करेंगे एक्टो की बात करेंगे, क्या करेंगे? एक्टो की बात कर लेंगे। ये जो जर्म लेयर होगा इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग मीसो बोल देते हैं। और ये जो जर्म लेयर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इंडोडर्मिस बोल देते हैं। इंडोडर्मिस को कर लो, इसको भी लिख लो डर्म। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डर्म हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टोडर्म है बाहर की ओर, ये हमारा मीसोडर्म है और ये हमारा क्या है, इंडोडर्म है। यानी तीन जर्म लेयर पाए जाएंगे गैस्टुलेस की एक्टिविटी में। जो एग्जांपल हो फ्रॉम फ्लैट वर्म के बाद की जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, वो सारे होते हैं ट्राइब्लास्टिक एनिमल के फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हो गया आपको, ये भी आप नोट कर लो, जितने भी इनवर्टिबेट होंगे उनके अंदर क्या पाया जाएगा, दो टाइप की एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्या मिलेंगी? दो टाइप की एक्टिविटी आपको देखने के लिए यहां से मिल जाएंगी। पहले स्क्रीनशॉट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका पूछ, हमने पढ़ा अभी तक कितना, पांच अलग अलग टाइप का पूरा कंप्लीट जो हमारा जनरल कैरेक्टर्स होता है इनवर्टिबेट के उनके बारे में हमने बातचीत किया अभी। ठीक है बेटा,
और बाहर बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी है, वो एप्लीकेशंस पे वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं आप इनको अपने से पढ़ लेंगे एक बार, क्या बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको पहले बॉडी प्लान के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बारे में, किसके बारे में, यहाँ पे प्रोटोस्टोमिया क्या, स्टोमस क्या होते हैं, डिरोस्टोम्स क्या होते हैं, इनके बारे में, उसके बाद सिलोम कैविटी के बारे में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। उसके बाद सीजोसिलोमेट क्या कहते हैं, इंडेरोसिलोमेट किसे कहते हैं, उसके बाद सिफिलाइजेशन क्या क्या होता है इनके बारे में, उसके बाद मेटामेरिज में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में क्या होते हैं, उनके डाइजेशन सिस्टम कैसे होते हैं, रिस्पायरेशन सिस्टम कैसे होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होते हैं एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ये ढेर सारे हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम यहाँ पे हमने दे रखा है, सेंस ऑर्गन दे रखा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने दे रखा है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमारा बॉडी का टेम्परेचर कैसे होता है, स्कल्टन कैसे पाया जाएगा, पूरा हमारा क्लास यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बाकी जो अभी क्लास हमने किया उसको आप अच्छे तरीके से रोक के स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और बाकी बेसिक बीएससी के लिए जरूरी नहीं है, बीएससी के लिए 5 कैरेक्टर के बारे में पूछता है, इसलिए मैंने 5 कैरेक्टर बीएससी में आपको बता दिए हैं, ठीक है। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं आप जो एप्लीकेशन के बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से नोट करके पढ़ लेंगे, बाकी बड़ी अच्छी है। कोई जानकारी होगी तो कभी लाइव फेस टू फेस हम जूम क्लास जब क्लास लेंगे तो जूम क्लास पे आपके साथ वो डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेंगे। कल हम लोग मिलेंगे प्रोटोजोआ का पूरा जनरल कैरेक्टर लेके, एक दिन प्रोटोजोआ कैरेक्टर देखेंगे और एक दिन हम लोग उसके क्या देखेंगे, उनके क्लासिफिकेशन को देख रखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना, यानी क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर दोनों को डिस्कस करने के बाद हम पढ़ेंगे फोरीफेरा, यानी पहले सबसे पहले सबका क्या देखा, कैरेक्टर एक दिन देखा जाएगा, एक दिन क्लासिफिकेशन, एक दिन कैरेक्टर एक दिन क्लासिफिकेशन। हमारे 10 फाइला है, 10 फाइला यानी 20 दिन लगेंगे हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट में, 4 यूनिट है। इस महीने के अंदर आपका यूनिट नंबर फर्स्ट निकल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट ही बड़ा है, उसके बाद यूनिट छोटे 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 यूनिट आ जाते हैं, ठीक। तो मिलते हैं कल वाले क्लास में लेके आपके नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद बेटा।